हाजीगंज की जनता की सेवा में उनके सुख दुख के साथी के तौर पर मैं पिछले 10 वर्षों से हूँ, और ख़ासकर लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से जब कोरोना और बाढ़ के संकट से सभी ग्रस्त थे, उस समय मैंने हर घर जाकर हर ज़रूरतमंद को अपनी शक्ति भर मदद की है, सेवा किया है मैंने, और क्षेत्र के विकास के विभिन्न कार्यों के लिए मैं विधायक नहीं रहते हुए भी तत्पर रहता हूं, समस्याओं को उठाता हूं। मेरा विश्वास है कि जनता मेरा समर्थन करेगी। अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, हाँ है, फिर नीतीश जी की पार्टी यहां से खड़ी है, एनडीए को भी हिस्सा है, तो फिर एलजेपी भी के उम्मीदवार के रूप में आप? इस दोनों प्रश्न को अलग अलग देखिए। एनडीए का हिस्सा एलजेपी है, इसका प्रमाण यह है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक कभी भी यह नहीं कहा है कि एलजेपी एनडीए में नहीं है। और नंबर दो बात कि एलजेपी जदयू के खिलाफ चुनाव इसलिए लड़ रही है कि एलजेपी का मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी को अब 15 साल उन्होंने, नीतीश जी ने बिहार को चलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप कुर्सी छोड़िए, बिहार में बदलाव आवश्यक। डॉक्टर, भाजपा ने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, भाजपा का कोई ऐसा आधिकारिक, सुशील मोदी जी का बयान बता रहा हूँ, कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। उसके बाद सुशील मोदी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो जाने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अथवा पार्टी के सर्वोच्च नेता के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है। नंबर दो बात कि कहने से नहीं होगा, आप मुंह से तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने कागज में क्या कर रहे हैं आप, मुख्य बात यह है। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो भले ही आप लगाकर घूमिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं, आप हमारे दिल से उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की विचारों के साथ हम हैं, आप उसे दूर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर साहब? नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारी श्रद्धा है और हम जब भी जीतेंगे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। डॉक्टर देवरंजन की पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर वो चुने जाते हैं तो? मेरी दो तीन प्राथमिकताएं होंगी। एक कि जो भी सरकार की योजना गरीब लोगों के लिए आती है, उस योजना का लाभ गरीब लोगों को आसानी से मिल सके और बिना भ्रष्टाचार के मिल सके। दूसरी कि महाराजगंज क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। तीसरी कि महाराजगंज की युवकों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार का साधन मिले, केवल महाराजगंज को नहीं बल्कि पूरे बिहार को। और चौथी बात कि किसानों को आज की परिस्थिति में खेती एक घाटे का सौदा हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि किसानों के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं को बढ़िया ढंग से बनाया जाए और उसे ज़मीन पर उतारा। एक आखिरी सवाल, 5 वर्षों तक एनडीए गठबंधन में आप थे और आपके एनडीए के ही यहाँ विधायक थे, उनका कार्यकलाप कैसा रहा? अब मैं तो, आप जानते हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप बेहतर होगा कि लोगों से ही पूछिए ये सवाल कि लोग क्या जवाब देते हैं। किसी भी गाँव में आप जाकर पूछ सकते हैं कि वर्तमान विधायक जी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या लोग उनसे खुश हैं या नाखुश हैं, लोग उनका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं वो जा रहे हैं तो लोग एकदम उग्र हो जा रहे हैं। अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।